राधे राधे, श्री जी की किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम से कलौंजी बनाएंगे। आम का सीजन आ गया है, हमने आधा किलो आम लिए हैं। आम को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, फिर आम को छीलेंगे, छीलकर टुकड़ों में काट लेंगे। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। इस चम्मच से आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच धनिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच कलौंजी है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चम्मच नमक है, एक प्याली गुड़ है। हमने आम को छीलकर पीसों में काट लिया है। आपको ऐसे ही काटना है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर देंगे। गैस मीडियम ही फ्लेम पर रखेंगे। अब सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। तेल गरम हो गया है, अब कलौंजी डाल देते हैं। दो मिनट तक ऐसे भूनेंगे। अब जो कच्चे आम हमने काट कर रखे थे वो डाल देंगे। अब आम को ऐसे चलाएंगे। जब तक ऐसे चलाना है जब तक आम का कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने 5 मिनट तक आम को ऐसे चलाया है। अब मसाले डाल देते हैं इसमें। ये आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच धनिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चम्मच नमक है। अब अच्छी तरह मिला लेंगे। मसालों को अच्छा भून लेंगे। ऐसे चलाते रहेंगे। सौंफ डाल देते हैं। अब 1-2 मिनट तक ऐसे चलाएंगे। हमने 5 मिनट तक मसालों को अच्छा भूना है। अब पानी डाल देते हैं। हमने 1/2 लीटर पानी डाला है। अब थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ डालकर फिर से चला लेंगे ऐसे। आम देखिए पक रहे हैं। अब ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट बाद खोलकर देखते हैं।
अभी आम अच्छी तरह पके नहीं है, इसको थोड़ा चला लेंगे। एक दो मिनट तक ऐसे चलाएंगे। देखिए अच्छा उबाल आ गया है। अब फिर से ढक्कन लगा देते हैं, 10 मिनट बाद खोलेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब फिर से चलाते हैं इसे खोलकर। देखिए गाढ़ापन भी आ गया है। कलौंजी हमारी बन गई है, देखिए गाढ़ी हो गई है। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसको आप जरूर ट्राई करें। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। कलौंजी हमारी बनकर तैयार है। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।